आप सभी के लिए एग्जाम्पल लेकर आया है यूपीएसआई 2020-21 एग्जाम के लिए 14 बुक्स का कॉम्बो सेट, जिसमें आपको मिलेंगी सामान्य हिंदी, गणित, भारतीय इतिहास, मूल विधि, यूपी जीके, स्टैटिक जीके, रीजनिंग, रसायन विज्ञान, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ज्योग्राफी और यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट। ये सभी बुक्स आपको मिलेंगी मात्र 1499 में। तो आज ही डाउनलोड करें एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए जल्द से जल्द ऑर्डर करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 9873111552 पर कॉल या व्हाट्सएप करें 8448116245 पर। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु शर्मा, मैं आपका रीजनिंग फैकल्टी सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जामपुर पर। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को राम राम, मेरा नमस्ते सलाम। दोस्तों, पुल के सर को पड़ गया है कुछ काम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर का लास्ट डे पार्ट 3 और वो क्वेश्चन जो आप अपने रेलवे के एग्जाम में 101% देखेंगे। जी हाँ, मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, एक पर्टिकुलर डेट का डे निकालना। आपको सीधा एक तारीख दे दी जाती है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, आपको ये बताना होता है, एक्चुअल वाला बताना होता है, ठीक है ना। अगर वो कहता है कि 26 सितंबर 1938 कौन सा दिन रहा होगा, कुछ भी डेट दे दी जाए, 18 अगस्त 1847 को कौन सा दिन रहा होगा, तो उस पर्टिकुलर डेट का आपको डे निकालना आना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूं, प्लस मैं आज आपको कुछ थ्योरी समझाने वाला हूं कैलेंडर क्या है। कैलेंडर के बारे में मैं बहुत बातें आपको सेशन वाइज आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूं। अगर मेरे पिछले सेशन आपने नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। तो आज के सेशन में बड़े आराम से आप लोगों को कॉपी पेन छोड़ करके मेरी बात को ध्यान से सुनना है और जो इंपॉर्टेंट बात हो उसे नोट डाउन कर लेना है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए जल्दी से सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए तभी, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। तो कैलेंडर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक बातें। 10 मिनट मुझे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। जो 10 मिनट के शुरू के 10 मिनट हैं वो आपके आज पूरे सेशन में काम आने वाले हैं। नो डाउट पिछली जो बातें बताई वो तो आपके काम आएंगी। आज के ये 10 मिनट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपकी मेन टाइप है उसके ऊपर ये 10 मिनट है, समझिएगा। देखो दोस्तों, हमारा जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, आज जो तारीख है हमारी 5 दिसंबर 2020, तो आप एक तरीके से ये मान के चलो कि लगभग 2020 साल पूरे होने को है। कितने साल पूरे होने को है? 2020 साल पूरे होने को है। कितने कंप्लीट हो चुके हैं? तो आप कहेंगे 2019 कंप्लीट हो चुके हैं। जी हां, 2020 साल, एक नहीं दो नहीं 2020 साल पूरे होने को है। तो कैलेंडर जो शुरू हुआ वो 1 जनवरी सन 1 से शुरू हुआ। 1 जनवरी सन 1 ये पहली तारीख थी और इस दिन क्या था दोस्तों? इस दिन सोमवार था, ठीक है। तो 1 जनवरी सन 1 से अपना कैलेंडर शुरू हुआ। ये कैलेंडर अपना जब कंप्लीट हुआ होगा, मतलब पहला साल जब कंप्लीट हुआ होगा, तब डेट क्या रही होगी? 31/12 सन 1, ठीक है ना। क्या? 31/12 सन 1। उसके बाद 1/1/0002, ठीक है ना। तो अपना जो कैलेंडर दूसरा साल शुरू हुआ और 31/12 सन 2 पे कंप्लीट हुआ। कितने साल कंप्लीट हुए दोस्तों? 2 साल। फिर 31/12 3 पे कितने साल कंप्लीट हुए? 3 साल। और 31/12 4 पे कितने साल कंप्लीट हुए? 4 साल कंप्लीट होते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? इस तरीके से एक एक साल बढ़ता गया और आज लगभग 2020 साल हो चुके हैं उस कैलेंडर को चलते हुए। जो हम फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस कैलेंडर का नाम ग्रिगोरियन कैलेंडर है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं जो आपको पता है 100%, जो पहला ईयर रहा वो कैसा रहा? तो आप कहेंगे नॉर्मल ईयर, क्योंकि क्या 1/4 से डिवाइड होता है? पूरा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। दूसरा भी नॉर्मल ईयर और तीसरा भी नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष रहेगा। लेकिन जो चौथा साल होता है वो लीप ईयर कहलाता है। लगभग हर चौथा साल, लगभग क्यों कहा बाद में बताता हूं, हर चौथा साल क्या होता है हम लीप ईयर कंसिडर करते हैं। नॉर्मल ईयर है तो 365 दिन का, और लीप ईयर है तो 366 दिन का होता है। फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा, 29 दिन होते हैं। तो इस तरीके से फिर 5वां नॉर्मल 6वां नॉर्मल 7वां नॉर्मल 8वां लीप ईयर हो जाएगा। 9, 10, 11 नॉर्मल 12वां लीप ईयर हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है? डेफिनेटली आप कहेंगे यस सर, क्लियर है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, कैलेंडर में कैलकुलेशन या तो टोटल डेज से करनी पड़ती है या ओड डेज से करनी पड़ती है। टोटल डेज से करना आपको भारी पड़ता है, महंगा पड़ता है, टाइम लगता है।
अगर मुझे किसी दिन में, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कहूं कि आज मंडे है, 5 दिसंबर 2020 मंडे है, आज से पूरे एक साल बाद यानी 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको एक तो तरीका मैंने बताया था कि 365 जोड़ लो, लेकिन वो जोड़ना मुश्किल लगेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं कि कैलकुलेशन या तो टोटल डेज से करो या उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो आता है उससे करो, रिजल्ट विल बी सेम। या आप अच्छे से समझते हैं ओड डेज कितने हुए, 1। किसके ओड डेज, नॉर्मल ईयर के ओड डेज, क्योंकि नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो 365 की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, 1 यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूं एक लीप ईयर है, ये टोटल डेज है, 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। तो अगर मैं कहूं एक लीप ईयर में ओड डेज कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 366 दिन का होता है, ओड डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि 2 साल है, ये 2 साल है, तो 365 जमा 365, ध्यान से सुनो बातों को, 365 जमा 365 जितना भी आपका आएगा लगभग कितना हो जाएगा, 730 हो जाएगा। और जब आप उसको 7 से भाग देंगे रिमाइंडर 2 आएगा। मुझे कैसे पता भाई, आप इन दोनों को जोड़ रहे हो, आप 365 मत जोड़ो, आप एक ओड डे इसका, एक ओड डे इसका, 2 ओड डे हो गए। अगर मैं पूछूं 3 साल में कितने ओड डे, 3 ओड डे, इन 4 साल में कितने ओड डे, 1 इसका, 1 इसका, 1 इसका और 1 इसका, नहीं इसके 2, तो टोटल कितने हो गए, 5 ओड डे। मैं अगर पूछूं कि आज मंडे है और 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या दिन होगा, तो आप 365 और 366 जोड़ के फिर 7 से भाग कर रहे हो, टाइम लगेगा ना, ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो वो ना करके हम क्या करेंगे, 1, 1, 1 और 2 जोड़ लेंगे, मतलब 5 आज मंडे है तो 4 साल बाद 5 जोड़ते ही सैटरडे आपको आंसर मिल जाता है। तो ये थ्योरी है, ये आपका बेसिक है, ये अभी ईयर की कैलकुलेशन आपने समझी है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं सेंचुरी की कैलकुलेशन को, ध्यान से समझिएगा इसका यूज, इसका पर्पज अभी 5 मिनट के बाद समझ में आ जाएगा, हार्डली 5 मिनट ध्यान से समझिएगा। आपका जो कैलेंडर शुरू हुआ, फिर से कहूंगा 1 जनवरी सन 1 से शुरू हुआ, पहला साल कंप्लीट 31/12/1 पे हुआ, लेकिन बात सेंचुरी की चल रही है, मतलब शताब्दी की चल रही है, मतलब 100 साल की चल रही है, 100 ईयर की चल रही है। तो आपके 100 साल कंप्लीट कब हुए, 31/12/1 पे कंप्लीट, सॉरी 31/12/100 पे कंप्लीट हुए। कब कंप्लीट हुए दोस्तों, 31/12/100 पे कंप्लीट होते हैं आपके 100 साल। कितने साल, 100 साल, पहले 100 साल, कैसे साल, पहले 100 साल जो कंप्लीट होते हैं आपके 31/12/100 पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद 101 से लेकर के 200 का जो टाइम पीरियड था, जिसे हम सेकंड सेंचुरी कहते हैं, जो सन 101 से लेकर 31/12/200 पे, फिर उसके बाद 201 से लेकर के 300 का जो टाइम पीरियड तीसरी सेंचुरी, 301 से लेकर के 400 का टाइम पीरियड चौथी सेंचुरी। जैसे मैंने आपको बताया हर चौथा ईयर नॉर्मल ईयर होता है, ऐसे ही हर चौथी सेंचुरी, दिस वॉज योर फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी एंड फोर्थ सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी विल बी आपकी लीप सेंचुरी। सेंचुरी दो प्रकार की होती है दोस्तों, सेंचुरी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, नॉर्मल सेंचुरी और लीप सेंचुरी। इसके अंदर भी डिफरेंस होता है और इसके ऊपर बहुत प्रश्न बने हैं, इसलिए थ्योरी समझा रहा हूं। देखो, चाहे आपकी नॉर्मल सेंचुरी चाहे लीप सेंचुरी, पहली बात याद रखना, शताब्दी दो प्रकार की होती है, साधारण शताब्दी, लीप शताब्दी। तो आपकी जो सेंचुरी है वो दो टाइप की होती है, नॉर्मल सेंचुरी और लीप सेंचुरी। चाहे नॉर्मल सेंचुरी चाहे लीप सेंचुरी, साल उसमें 100 ही होंगे, ऐसा नहीं है इसमें 100 साल होंगे उसमें 101 होंगे, नहीं जी, सेंचुरी का मतलब ही 100 होता है, 99 नहीं होता है, 100 होता है, 101 भी नहीं होता है, 100 कंप्लीट 100, जो 100 वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है सेंचुरी को। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ सेंचुरी, लीप सेंचुरी एंड नॉर्मल सेंचुरी। नॉर्मल सेंचुरी में मेरे दोस्तों 24 लीप ईयर होते हैं, लेकिन जब लीप सेंचुरी होती है तो इसमें 25 लीप ईयर होते हैं। अब ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इसमें 24 लीप ईयर और इसमें 25 लीप ईयर कौन कौन से हैं, कहां हैं। ध्यान से सुनो मेरी हर बात को, जो पहला साल था वो तो नॉर्मल ईयर, दूसरा भी नॉर्मल, तीसरा भी नॉर्मल। आपको अगर मैं पूछूं चौथा साल, आप कहेंगे लीप ईयर, 4 के बाद 8 के बाद 12 के बाद 16 ऐसे करते करते 72 76 80 84 88 ऐसे करते करते 92 96, उस 96 के बाद अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो आता है सन 100। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो पहली सेंचुरी है ये नॉर्मल सेंचुरी है, ये दूसरी भी नॉर्मल सेंचुरी है, ये तीसरी भी नॉर्मल सेंचुरी है, जो चौथी सेंचुरी वो लीप सेंचुरी है। या मैंने ऐसे बताया था 400 का मल्टीपल जो भी सेंचुरी होती है वो आपकी कैसी सेंचुरी होती है, वो आपकी लीप सेंचुरी होती है, समझ गए।
400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 पे खत्म होने वाली सेंचुरी लीप सेंचुरी कहलाती है। और नॉर्मल सेंचुरी का जो 16वां साल होता है, ध्यान से सुनो, मैंने कल भी बताई थी बात आपको, नॉर्मल सेंचुरी का 16वां साल नॉर्मल ईयर होता है और लीप सेंचुरी का 16वां साल लीप ईयर होता है। तो अगर मैं पूछूं 96 के बाद सन 100, जल्दी से बताओ ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? तो ये नॉर्मल सेंचुरी का 16वां साल है। दूसरी बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब भी 100 का मल्टीपल ईयर होता है, जब भी 100 का मल्टीपल ईयर होता है तो उसको 400 से डिवाइड करके देखते हैं। तो सन 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं गलती कर रहा हूं, तो मुझे नहीं पता है कि लीप ईयर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना दोस्तों? तो इसको 400 से भाग अगर करके देखेंगे तो क्या ये डिवाइड हो पाएगा? आप कहेंगे नहीं। तो किसी भी तरीके से आपको ये बात दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि ये आपका कैसा ईयर है, ये आपका नॉर्मल ईयर है। बात क्लियर हो रही है, ये आपका नॉर्मल ईयर है। तो आपके पास अगर सन 1 से लेके सन 100 तक लीप ईयर की गणना की जाएगी तो जो आप ये गिनोगे ना तो ये कितने निकलेंगे, 24 लीप ईयर निकलेंगे। वहीं अगर मैं लीप सेंचुरी की बात करूं, जो कि ये आपकी लीप सेंचुरी है, और एक लीप सेंचुरी का 16वां साल क्या होता है, लीप ईयर होता है। सन 304 पहला लीप ईयर इसके अंदर, फिर 308 और उसके बाद 12, 16, ऐसे करते करते 392, 396 और उसके बाद सन 400, वो कैसा पड़ेगा, वो लीप ईयर पड़ेगा। बोलो बात क्लियर? इसलिए वहां पे 25 लीप ईयर है, इसमें 25वां लीप ईयर ये है और इसमें एक लीप ईयर कौन सा कम है, ये वाला है। ईयर नहीं कम हुआ, ध्यान से सुनो जरा, ईयर नहीं कम हुआ, क्या फर्क पड़ा? इसका 16वां साल अगर नॉर्मल ईयर मनाया जाएगा तो 365 दिन का होगा और इसका 16वां साल अगर लीप ईयर मनाया जाएगा तो 366 दिन का होगा। बोलो बात क्लियर है? आपकी सेंचुरी में ईयर की तरह एक दिन का डिफरेंस होता है, जैसे नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में एक दिन का डिफरेंस होता है ना, नॉर्मल ईयर 365 दिन का और लीप ईयर 366 दिन का, ऐसे ही नॉर्मल सेंचुरी और लीप सेंचुरी में एक दिन का डिफरेंस होता है। यह भी मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूं, नॉर्मल सेंचुरी में 100 साल जो है उसमें 24 लीप ईयर है तो 76 नॉर्मल ईयर हो जाएंगे, लीप सेंचुरी में 100 साल है तो 25 लीप ईयर है तो 75 नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। कंप्लीट तो हमें 100 ही करने है ना, 24, 76, 100, 25, 75, 100। बात क्लियर है? अगर लीप ईयर है तो गुणा कीजिए 366 से, नॉर्मल ईयर है तो गुणा कीजिए 365 से। ऐसा करने से क्या होगा, इसके टोटल डेज निकल आएंगे, आपके 24 साल के टोटल डेज, 76 साल के टोटल डेज, और दोनों को जब जोड़ोगे तो आपके टोटल डेज आ जाएंगे इन 100 सालों के, जो कि आपके होते हैं 36,524। बात को क्लियर करिए, तो वो होते हैं आपके 36,524। ऐसे इन 25 को अगर मैं 366 से और 24 को 365 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो टोटल आएगा वो 36,525 आएगा। तो जैसे मैंने आपको एक बात समझाई थी कि मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आज मंडे है, आपके 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी एक साल बाद, चाहे वो 365 का हो चाहे 366 का हो, तो आपको मैंने समझाया, आपने समझ लिया कि सर 365 जोड़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, आप 365 को 7 से भाग करके रिमाइंडर 1 आता है वो जोड़ लो, उससे भी वही रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि आज मंडे है, जब ये पूरी सेंचुरी कंप्लीट होगी, जी हाँ, ये जब सेंचुरी पूरी कंप्लीट होगी तब दिन कितने होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल सेंचुरी है, 36,524 दिन होंगे। तो अगर मैं पूछूं एक सेंचुरी बाद, यानी 100 साल बाद, और वो नॉर्मल सेंचुरी हो तो आपका क्या होगा, तो आप कहोगे 36,524 जोड़ना हमारे लिए मुश्किल है, तो इसको हम अगर किससे, 7 से भाग कर लें, 7 से भाग अगर हम कर लेते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आता है, रिमाइंडर हमारे पास कितना आता है, रिमाइंडर हमारे पास 5 आता है, तो 5 क्या हो जाएंगे, इस सेंचुरी के ओड डेज हो जाएंगे। ये टोटल डेज है, ये ओड डेज है। ऐसे अगर मैं इसको 7 से भाग दूंगा तो ओड डेज मेरे पास कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो नॉर्मल सेंचुरी में ओड डेज 5 और लीप सेंचुरी में ओड डेज, ओड डेज मतलब विषम दिन, एक्स्ट्रा डेज, वो 6। और आप जानते हैं कैलकुलेशन या तो टोटल डेज से करें या ओड डेज से करें, रिजल्ट विल बी सेम। तो यहां पे आपके ओड डेज कितने हुए, तो आप कहेंगे 5। ध्यान से सुनो, ये बहुत, यहां से 5 क्वेश्चन बनेंगे आज के ही, आपके 5 क्वेश्चन के लिए ये बता रहा हूं मैं आपको कि आप रटे ना, अगर मैं सीधी एक बात बता देता तो आप रट लेते, और ये थ्योरी की क्लास है, हमारे विवेक सर ने आपके लिए ये थ्योरी क्लास चलवाई है, तो इसलिए थ्योरी समझ लीजिए। तो दोस्तों पहली सेंचुरी जब कंप्लीट हुई तो 5 ओड डेज, ये बात आपको समझ में आई, आप कहेंगे पहली सेंचुरी कंप्लीट हुई तो 36,524 दिन, ये टोटल डेज, ओड डेज कितने, 5, ठीक है ना। अब जब दूसरी सेंचुरी कंप्लीट हुई तो इसके भी कितने दिन, क्योंकि नॉर्मल सेंचुरी है ना, तो 36,524 दिन,
इसके भी ओड डेज कितने? 5। लेकिन ध्यान से सुनो जरा, इसके भी ओड डेज कितने? देखो ये नॉर्मल सेंचुरी 5 ओड डेज, ये नॉर्मल सेंचुरी 5 ओड डेज, ये नॉर्मल सेंचुरी 5 ओड डेज। लेकिन ये कैसी सेंचुरी? ये आपकी लीप सेंचुरी, तो इसमें कितने ओड डेज? 6 ओड डेज। बोलो ये आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है? होना तो चाहिए, जैसे मैं आपको बड़े आराम से, आज तो स्पीड भी तेज नहीं कर रही है, आज चिल्ला भी नहीं रहा हूं, बड़े आराम से आपको बात समझा रहा हूं। समझने के बाद मेरी गिरफ्तार तो फिर वहीं पहुंचने वाली है, फिलहाल के लिए समझ लीजिए चीजों को। देखो अगर मैं पूछूं पहले 100 साल में कितने ओड डेज, तो आप कहेंगे 5, ठीक है ना। और अगर मैं अकेले दूसरे 100 साल के ओड डेज पूछूं तो फिर आप कहेंगे 5। लेकिन अगर मैं पूछूं 200 सालों के ओड डेज बताइए, इन 200 साल के ओड डेज कितने होंगे? 36,524 इसके, 36,524 इसके, दोनों को जोड़ो, 7 से भाग दो, जो रिमाइंडर आएगा वही होंगे ना 200 साल के ओड डेज। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको 5 ओड डेज इसके, 5 इसके, तो कितना हुआ? 10 ओड डेज हो गए। 5 इसके, 5 इसके, टोटल कितने हो गए? 10 ओड डेज हो गए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपको कैलेंडर में 10 का मतलब मैंने क्या समझा रखा है? 3, ठीक है ना। आप 10 नहीं 3 यूज करेंगे, या फिर मैं ये कहूं बेटा ओड डेज क्या होते हैं, एक्स्ट्रा डेज क्या होते हैं, विषम दिन क्या होते हैं, जो 7 से भाग करने के बाद शेष बचता है, ठीक है ना। 10 को मैं 7 से भाग कर सकता हूं ना, 7 से भाग करने के बाद जो बचेगा। अब मैं ऐसे ही अगर पूछूं कि 300 साल में कितने ओड डेज, 5, 10, 15, टोटल कितने हो गए? 15 ओड डेज। यानी अगर मैं आपसे पूछूं आज मंडे है, 300 साल बाद क्या होगा, 300 साल बाद क्या होगा, तो दोस्तों उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 15 जोड़ना पड़ेगा, या फिर 15 को 7 से भाग करके 1 जोड़ना पड़ेगा, या फिर 36,524 इसके, 36,524 इसके, 36,524 इसके जोड़ के 7 से भाग करके रिमाइंडर तो एक ही आएगा, कर सकते हो आप ये काम। उसके बाद अगर मैं पूछूं 400 साल बाद कौन सा दिन होगा, या 400 साल के ओड डेज, 5, 5, 5, क्योंकि नॉर्मल सेंचुरी, लीप सेंचुरी 6, ठीक है ना, तो टोटल क्या आया? 21। तो 21 ना यूज करके हम रिमाइंडर कितना कंसीडर करेंगे? 0 कंसीडर करेंगे। ये जो आपको अभी अभी मैंने समझाया है, ये जो मैंने आपको अभी अभी समझाया है, इसको मैं थोड़ा सा इसका वीडियो पोज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी समझ लो पहले आपको। इसको मैं जल्दी में अगर लिखूं तो पहली सेंचुरी 100 पे कंप्लीट होती है, उसमें ओड डेज 5 होते हैं। दूसरी सेंचुरी आपकी कंप्लीट 200 पे होती है, तब ओड डेज 3 होते हैं। तीसरी सेंचुरी आपकी 300 पे कंप्लीट होती है, उसमें ओड डेज 1 होता है। और चौथी सेंचुरी आपकी 400 पे कंप्लीट होती है, उसमें ओड डेज 0 होते हैं। ये बात आपको समझ में आई? ओड डेज 0 होने का मतलब दोस्तों पता क्या है? ओड डेज होने का मतलब क्या है? ये सारे के सारे अब जब जोड़ दोगे, यानी कितना, 36,524 और 36,525 सबको जोड़ दोगे, 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और रिमाइंडर 0 होने का मतलब जितने भी दिन है वो एक वीक में कन्वर्ट हो गए हैं, वो हफ्तों में कन्वर्ट हो गए हैं। बात समझ में आ रही है? शेष दिन एक्स्ट्रा डे कुछ भी नहीं बचा। जैसे अगर एक ईयर के बारे में कहा जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि जब मैंने इसको 365 को 7 से भाग दिया, यानी नॉर्मल ईयर की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें यह कहा जाता है 52 वीक एंड 1 डे, 52 वीक एंड 1 डे, कई बार सुना भी होगा आपने, 52 हफ्ते 1 दिन। तो बाकी के दिन जितने भी थे, यानी 365 में से 364 दिन तो 52 हफ्तों में कन्वर्ट हो गए, एक दिन क्या है? एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। और एक हफ्ते के बाद सेम डे होता है, 7 दिन के बाद, 7, 14, 21 आपका जितना भी होता है ना, इतने दिनों के बाद सेम डे होता है। ध्यान से सुनना जरा, आपका एक 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 से पहले कितने दिन कंसीडर किए जा रहे हैं? 0, ठीक है ना। इससे पहले कोई दिन ही नहीं था, तो उससे पहले अगर 0 है, मतलब यहां से पहले अगर 0 है, ध्यान से सुनो जरा बात, यहां से पहले अगर 0 है, तो यहां से पहले भी हमारे पास ओड डेज कितने हैं? 0 है। या मैं आपको ध्यान से सुन लेना, मैं अगर शॉर्ट में आपको समझाऊं, तो दोस्तों ये जो 400 साल हैं, कितने साल? ये जो 400 साल हैं, ये रिपीटेड मैनर में है। क्या है? ये 400 साल रिपीटेड मैनर में है। जैसे ये 400 साल होते हैं ना, अगले 400 साल, फिर उससे अगले 400 साल, उससे अगले 400 साल, बिल्कुल सेम होते हैं, रत्ती भर भी फर्क नहीं होता। तो इनके ओड डेज भी बिल्कुल सेम होंगे, 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0। तो ये आपका 53, 10 क्या हो गया? आज से गाड़ी का नंबर हो गया जिसमें आप सवार हो गए, ठीक है ना। इस गाड़ी में आप सवार हो चुके हैं, याद रखिएगा 53, 10, ठीक है ना। 53, 10 याद रख सकते हो, बड़े आराम से याद रख सकते हो। और इस 53, 10 का बहुत बड़ा रोल होगा, अभी क्वेश्चन में होगा, और 5 क्वेश्चन बनेंगे यहीं से। ध्यान से सुनिएगा अब मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा।
400 पे जीरो हो रहे हैं, 800 पे जीरो हो रहे हैं, फिर आपके 1200 पे जीरो, फिर 1600 पे जीरो, 2000 पे जीरो, क्या हो रहे हैं? ओड डेज, यानी 400 साल में जितने दिन, 800 साल में, 1200, 1600, 2024 में जितने भी दिन होंगे, अगर मैं उसको 707 से भाग करूंगा, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, वहां पे ओड डेज वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जानते हो आप, कैलकुलेशन या तो टोटल डेज से की जाती है या ओड डेज से की जाती है, ये आप जानते हो। अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई तो याद रखिएगा, जीरो के बाद क्या आता है? जीरो के बाद पांच आता है, पांच के बाद तीन आता है, तीन के बाद एक आता है, एक के बाद फिर जीरो आता है, पांच तीन एक जीरो, ये आपको याद रखना है। जीरो के बाद क्या आता है? पांच आता है। अगर मैं पूछूं 1600 साल में कितने ओड डेज, तो आप कहेंगे जीरो। मैंने कहा 1700 में, आपको याद आया, जीरो के बाद पांच आता है, 1700 में पांच। उसके बाद आपसे अगर मैं पूछूं 1800 में, तो आप कहेंगे तीन, और अगर मैं पूछूं 1900 में, तो आप कहेंगे एक, और फिर मैं कहूं 2000 में जीरो, 2100 में पांच, 2200 में तीन, 2300 में एक, 2400 में जीरो, 2500 में पांच, 2600 में तीन, 2700 में एक, और 2800 में जीरो। आई थिंक सो ये बात आपके दिमाग में बैठ गई है। ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई है तो अब मैं एक प्रश्न सोल्व करूंगा, आप लोगों को वो सीखना है, क्योंकि मैं आज आपको थ्योरी सिखा रहा हूं। तो जो प्रश्न मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं वो कौन सा? एक पर्टिकुलर डेट का डे निकालना, एक पर्टिकुलर डेट का डे निकालना। सपोज मैं आज ही का दिन निकालता हूं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अब आ गए हैं प्रश्न पे। सारी थ्योरी हमने पढ़ ली है, सीख ली है, समझ ली है, अब आ गए हैं हम प्रश्न पे। क्वेश्चन है, आज का क्या दिन है? 5 दिसंबर। क्या है? 5 दिसंबर 2020 है ना, कौन सा दिन रहा होगा। बात समझिए जरा, क्वेश्चन को समझिएगा जरा, और प्रश्न में आपका जो सोल्व कर रहा हूं वो मैं आपका थ्योरी से सोल्व कर रहा हूं दोस्तों, थ्योरी से सोल्व करेंगे। थ्योरी क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगी। सारी के सारी थ्योरी आप पढ़ चुके हो, बस मुझे अब लिंक करना है, समझाना है। आज क्या डेट है, हमें दिन किसका निकालना है? 5 दिसंबर 2020 का दिन निकालना है, ऐसा ही है। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान से सुनना मेरी हर बात को, अगर मैं आपसे ये पूछूं आज कितने साल पूरे हो चुके हैं, तो आप क्या कहोगे? 2020 साल पूरे हो चुके हैं? जी नहीं, आप कितने कहोगे? कहोगे सर 2019 साल कंप्लीट हो चुके हैं। कितने कंप्लीट हो चुके हैं? 2019 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहला स्टेप ईयर में से माइनस वन करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये रनिंग ईयर है, इसकी कैलकुलेशन बाद में की जाएगी। ये रनिंग ईयर है, ये चल रहा है, इसकी कैलकुलेशन बाद में की जाएगी। जो कंप्लीट ईयर है वो निकालने के लिए मैंने माइनस वन किया। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आपको अगले प्रश्न में मैं सीधा आपको कहूंगा कि ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आपको मैं कह रहा हूं ईयर में से माइनस वन किया। क्यों किया? क्योंकि पहले कंप्लीट ईयर निकालते हैं, जो कि हमारे 2019, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब 2019 को अगर ब्रेक करूं तो 2000 प्लस 19 लिख सकता हूं, मुझे लगता नहीं है कि कोई आपत्ति होगी आपको इस बात से। अगर मैं 2019 को ब्रेक करके 2000 प्लस 19 लिख लूं तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 2000 साल में कितने ओड डेज? 2000 साल में, अब तो आप लोग ऐसे कर दोगे काम। भाई मैं अगर आपसे ये पूछूं 2000 साल में कितने टोटल डेज, तो आप लोगों को बताने के लिए शायद 10 मिनट लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 2000 साल में कितने ओड डेज, तो आप कहेंगे फटाक से सर जीरो, अभी तो आपने बताया था 400, 800, 1200, 1600, 2000 में जीरो, 2100, 2200, 2300 के भी पता है आपको, बोलो पता है या नहीं पता है, जल्दी से बताओ पता है या नहीं पता है। देखो 2000 की वैल्यू क्या हो गई? जीरो, मतलब हमने 2000 कैलकुलेशन खत्म कर दी। अब करनी है 19 साल की कैलकुलेशन। 19 साल की कैलकुलेशन करने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा 19 साल में कितने नॉर्मल ईयर, कितने लीप ईयर। देखो ध्यान से समझिएगा जो मैं कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। दो तरीके से 19 साल की कैलकुलेशन होती है। एक, अगर मैं पूछूं कि 19 साल में कितने नॉर्मल ईयर, कितने लीप ईयर, आप लीप ईयर निकाल लो, बचे हुए नॉर्मल घोषित कर देना। 4, 8, 12, 16, यानी 4 लीप ईयर, और बचे कितने? 15, वो नॉर्मल ईयर। अब नॉर्मल ईयर है तो 365 से, लीप ईयर है तो 366 से गुणा करो और जो आए जोड़ दो, ये 19 साल के टोटल डेज हो जाएंगे। पर आप जानते हो कैलकुलेशन टोटल डेज की बजाय किससे कर सकते हैं? ओड डेज से। तो लीप ईयर के ओड डेज दो होते हैं, नॉर्मल ईयर के ओड डेज एक होता है। शुरू में मैंने आज की क्लास में ही बताया था कि नॉर्मल ईयर में 365 की बजाय एक यूज कर सकते हो, लीप ईयर में 366 की बजाय आप दो यूज कर सकते हो। इसलिए इसको एक और दो से गुणा किया तो ये 15 और ये 8,
तो टोटल कितना हुआ मेरे दोस्तों, 23 हुआ। टोटल कितना हुआ, 23 हुआ। तो 19 साल में कितने ओड डेज, 23 ओड डेज। लेकिन ये निकालने के लिए आपको पेपर पेन उठाना पड़ेगा, बोलो उठाना पड़ेगा या नहीं उठाना पड़ेगा। तो मैं आपको अब दूसरे तरीके से बता रहा हूं, ये तो हो गया हमारा बेसिक थ्योरी मेथड से, तो दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, समझिएगा। आपको ये जो रिमेनिंग ईयर बच जाते हैं, ये तो 100 के मल्टीपल अलग कर लिए थे, 2019 को 2000 अलग, 19 अलग लिख लिया था। ये जो रिमेनिंग आपका बच जाता है, चाहे 15, 25, 50, 15, 18 जो भी बच जाए, जैसे 19 बचा हुआ है, जैसे 19 बचा हुआ, ध्यान से सुनो इस बात को, 19 को बेटा 4 से भाग करना। किससे भाग करना, 4 से भाग करना, ध्यान से सुनो, एक सेकंड में निकाल दोगे 19 साल में कितने ओड डेज लिखने हैं। 19 को 4 से भाग करना, 4 4 चौके 16, पॉइंट समथिंग पे कटेगा ना, पॉइंट समथिंग पे कटेगा ना। 19 को 4 से भाग दिया, 4 पॉइंट समथिंग पे कटेगा ना, बस 4 यूज कर लेना, 19 ये 4 ये दोनों को जोड़ के लिख दो 23, 19 ये 4 वो दोनों को जोड़ के लिख दो 23। बोलो बात क्लियर हुई। ऐसे निकालने में कितना टाइम लगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं 80 साल में कितने ओड डेज, फटाक से बताओ, 80 बटा 4, 4 से काटेंगे 20, 80 और 20 दोनों को जोड़ा 100। बोलो ये काम वर्बली हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूं 60 साल में कितने ओड डेज, 4 से भाग दोगे 15 पे कटता है, 60 और 15 75 हो गया। अगर मैं कहूं 50 साल में कितने ओड डेज, 4 से काटोगे 12 चौक 48, 12 पॉइंट समथिंग पे कटेगा, 50 और 12 62 हो गए। वर्बली कर लोगे कितने साल में कितने ओड डेज होते हैं, लेकिन ये रिमेनिंग ईयर के लिए लगाना है, टोटल के लिए नहीं। सीधा कभी 2019 को ही 4 से भाग दो, जो आया उसको 2019 में, नहीं ये काम नहीं करना, जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना। अगर मैं पूछूं 70 साल में कितने ओड डेज, 4 से काटोगे 16 कितना, 17 चौके 68 होता है, 17 पे लगभग कट जाएगा, तो 17 और 70 दोनों जोड़ के, तो 70 साल के कितने ओड डेज हो गए, 87 हो गए। ऐसे निकाल लोगे। बोलो ये वाली बात भी समझ में आ गई दोस्तों या नहीं समझ में आई, ये वाली बात भी समझ में आ गई या नहीं समझ में आई। तो मैंने 19 के आगे अगर 23 लिखा है तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को डाउट होगा कि क्यों लिखा, कैसे लिखा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे आकर 2019 साल की कैलकुलेशन हो गई है कंप्लीट। अब चलेगा 2020वां साल, कौन सा साल, 2020वां साल, और उसकी जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। अगर क्वेश्चन 5 अप्रैल 25 अप्रैल होता तो मैं यहीं पे रुक जाता, लेकिन 5 दिसंबर तक है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त और उसके बाद आप जानते हैं क्या क्या है आपके पास, तो मैं लिख लूं यहां पे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और फिर दिसंबर। क्वेश्चन मैंने दिसंबर का ले रखा है, अभी मैं इसको शॉर्ट भी कर दूंगा, पहले आपको पूरी थ्योरी समझा दूं, अभी मैं इसको शॉर्ट भी कर दूंगा, ये सारा आपको नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, बिलीव मी। तो यहां पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सारा लिख करके दिसंबर तक अगर आप लिख लेते हो, लिखने के बाद आपको इनके क्या लिखने हैं, ओड डेज लिखने हैं। क्या ओड डेज, हाँ लिखने को देखो टोटल भी लिख सकते हो, जनवरी के 31, फरवरी के 28 या 29, फरवरी के 28 या 29 किस पे डिपेंड करता है, ये जो मंथ आपने लिखे किसके, 2020 के, 2020 के लिखे तो फरवरी के कितने दिन होंगे 29, मार्च के कितने 31, अप्रैल के कितने 30, मई के कितने 31, जून के कितने 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31 और फिर अगर बात की जाए सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के, दोस्तों दिसंबर में हमें 5 दिसंबर तक जाना है तो 5 लिखेंगे, 5 दिसंबर तक जाना है तो 5 लिखेंगे। आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है, लेकिन इन सबको जोड़ना क्या पड़ेगा, भारी पड़ने वाला है, आप जानते हैं इन सबको जोड़ने में टाइम लगने वाला है। तो आपको पहले ही पता है भाई ये सब लिखने के बजाय अगर मैं इनके ओड डेज लिख लूं, शुरू से लिखना, जीरो के ओड डेज जीरो, 23 के ओड डेज दो, ये ओड डेज क्या है, 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, 3 1 3 2 3 2 3 3 उसके बाद 2 3 2 और यहां पे 5 का 5 बच जाएगा। देखो ये दोस्तों मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो कई बार मंथ कोड वगैरह भूल जाते हैं, ट्रिक भूल जाते हैं, तो ये है बेसिक से थ्योरी से करने का आपका तरीका। तो यहां पे इन सबको जोड़े तो 0 2 0 3 5 6 3 8 2 10 3 13 2 15 15 और 3 18 3 21 21 और 2 23 3 26 26 2 28 और 5 33 आपने जोड़ा 33 आ रहा है, आपने जोड़ा 33 आ रहा है। तो आप या तो इनको जोड़ लो,
या फिर इनको काट भी सकते हो। जोड़ने की बजाय काटना इजी रहता है, जैसे ये 5 और 2 7, 7 बना के काट सकते हो, 7 बना के काट सकते हो, 3 2 5 और 2 7 ये गया, 3 3 6 और 1 7 ये गया, 3 2 5 और 2 7 ये गया, और उसके बाद हमारे पास जो बचता है वो ये दो वैल्यू बचती है। तो मेरे ख्याल से 33 जो आ रहा है ना, ये मैंने गलत लिख लिया है, 36 आएगा, 34 आएगा। दोबारा जोड़ के देख लेता हूं, 2 और 3 5, ऐसे जोड़ने में देखो गलती भी हो जाती है, तो काटने में सही रहता है। 2 और 3 5 और 1 6 3 9 9 2 11 11 3 14 16 19 22 22 और 2 24 24 3 27 27 और 2 29, और बिल्कुल 5। टोटल कितना आ रहा है दोस्तों? 34 आ रहा है। जोड़ने में मैंने गड़बड़ कर दी, मैं वैसे काट के ही करता हूं, और वैसे तो मैं इतना सब कुछ लिखता ही नहीं हूं, इसको शॉर्ट में कर दूंगा अभी, पहले ये पूरा बेसिक थ्योरी समझ लो। तो जोड़ के कितना आ रहा है? 34, या काट के हमारे पास ये दो वैल्यू बच रही है, जो हमारा 6 है, ठीक है ना, जो हमारा 6 है। तो 34 को अगर मैंने 7 से भाग दिया, 7 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना होगा? 6 होगा, ठीक है ना। अगर मैं इन सारी वैल्यू को भी जोड़ के 7 से भाग दूंगा, तब भी रिमाइंडर कितना आएगा? 6 ही आएगा। अब आगे, बस ये लास्ट था, हो गया खत्म। अब मुद्दे की बात समझ लो, जरा मुद्दे की बात जरा समझ लीजिए दोस्तों। हम थ्योरी पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, और थ्योरी में क्या होता है दोस्तों? हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, मैंने आज अभी आपको बताया, पहला दिन क्या था? मंडे था। पहला एक 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 को क्या बताया था? मंडे था। तो जो डे कोड होते हैं, डे कोड होते हैं थ्योरी में, किसमें? थ्योरी में। थ्योरी में जो डे कोड होते हैं वो आपका मंडे पहला दिन कंसीडर किया जाता है। तो मंडे 1, और आगे आपको बस समझ में आ गया होगा, ट्यूसडे 2, वेनसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 हो जाता है, और सैटरडे 6 हो जाता है, और संडे आपका 0 या कहिए 7 हो जाता है। अब हमारे पास जो रिमाइंडर बचा था, रिमाइंडर कितना बचा था? 6। और 6 थ्योरी के मुताबिक हमने क्वेश्चन को किया है, तो थ्योरी के मुताबिक 6 किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? सैटरडे को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? सैटरडे। और आज शायद सैटरडे ही है, शायद नहीं, कंफर्म। तो मैंने आज ही का डेट का डे तो निकाला है, तो आज मैं आपके 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को देने वाला हूं, करवाने वाला हूं। मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन जो दिया था, मैंने जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर ये दिया था, 12 दिया था या 11 दिया था? 12 दिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को शॉर्ट में करते हुए चलेंगे। आपका 2006 है, सबसे पहला स्टेप बोलो, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? बोलो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? -1 करना होगा। आपको बताया ना मैंने -1 क्यों कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? -1 करना होगा। तो 2000 अलग और 5 अलग, 2000 अलग और 5 अलग, बोलो बात क्लियर? 2000 में 0 और 5 के ओड डेज, 5 के ओड डेज कैसे लिखते हैं? 5 के ओड डेज कैसे लिखते हैं? 5/4 काटा 1 पे कटा, 5 के ओड डेज कैसे लिखते हैं? 5/4 काटा 1 पे कटा, 5 और 1 6, बोलो क्लियर? 2005 साल हो गए कंप्लीट। अब चला 2006वां साल, 2006वें साल की मुझे 28 मई तक जाना है, 28 मई तक जाना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई तक ही तो जाना है। तो जनवरी के कितने दिन? 31, फरवरी किसकी? 2006 की, जो कि नॉर्मल ईयर, तो 28 दिनों की। मार्च किसकी? 2006 की, 31, अप्रैल 30, और मई में मुझे कहां तक जाना है? 28 तक जाना है। उसके बाद आप इन सब को जोड़ लो, या इन सब को जोड़ने की बजाय इनके ओड डेज को जोड़ लो, इनके ओड डेज लिख लिए दोस्तों, इनके ओड डेज लिख लिए। आई थिंक सो ये बात आपको क्लियर होगी कि ये मैंने कैसे लिख लिए, ये मैंने कैसे लिख लिए। 6 का 6 रहेगा, 31 से 7 को भाग दिया, रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है ना, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। उसके बाद इन सब को जोड़ना है हमें, तो 0 6 3 0 3 2 0 कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 और 3 8 और 6 14, और 14 को आप 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर कितना? 0। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट में मुझे संडे आंसर किया था, और 0 किसे रिप्रेजेंट करता है डे कोड की लिस्ट में? 0 किसे रिप्रेजेंट करता है? संडे को रिप्रेजेंट करता है। बताओ कितनी देर लगी हमारे इस प्रश्न का आंसर करने में? क्या आपको समय लगा? और बिना किसी डे कोड के मैंने आप लोगों को, बिना किसी डे कोड के, जनरली स्टूडेंट को क्या होता है, मंथ कोड, डे कोड, सेंचुरी कोड, ये सब याद रखने में कंफ्यूजन होती है। आप लोगों को मैंने एक और बात बोली थी बेटा, कि आप लोग जो है अगर इस प्रश्न की ट्रिक चाहते हैं, अगर इस प्रश्न की ट्रिक चाहते हैं, तो एग्जामपुर ट्रिक चैनल,
एग्जामपुर ट्रिक एंड कंसेप्ट चैनल, ये चैनल एग्जामपुर का ही चैनल है दोस्तों, इसके ऊपर सारी ट्रिक अपलोड होती है। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। पांच दिन पहले, 5 से 6 दिन हो गए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता हुआ होगा, 5 से 6 दिन पहले कैलेंडर ट्रिक के नाम से मैंने एक वीडियो डाली थी, कैलेंडर ट्रिक के नाम से मैंने एक वीडियो डाली थी। आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैलेंडर ट्रिक रीजनिंग बाय दीपांशु सर एग्जामपुर ट्रिक चैनल, ऐसा भी लिख सकते हो तो सीधी वही वीडियो मिलेगी आपको। तो दोस्तों वो ट्रिक, इसी की ट्रिक मैंने बताई है, आप उस ट्रिक को देख सकते हो अगर आपको ट्रिक से करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने थ्योरी से समझा दिया तो वैसे ही मैं आपको प्रश्न ट्रिक से भी समझा चुका हूं। तो उस वीडियो को अगर आप नहीं मिल ढूंढ पा रहे होंगे तो मुझे इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में बता देना, सर वीडियो नहीं मिल रही, तो मैं उसका लिंक आपको वहीं पे रिप्लाई में दे दूंगा। बोलो बात क्लियर हो गई बच्चे, आपको ये सारी बातें क्लियर हुई तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। मैं आपको ट्रिक से भी करके दिखा सकता हूं, लेकिन थ्योरी की क्लास विवेक सर ने आप लोगों के लिए घोषित कर दी है, इसलिए थ्योरी से आपको समझाया, और इससे आराम से मैं नहीं समझा सकता, मेरे जज्बात मेरे काबू में नहीं रहते, ठीक है ना दोस्तों। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। और आज के सारे क्वेश्चंस का आपको मैंने सार दे दिया है, सार दे दिया है, अब करवाऊंगा 10 ताबड़तोड़ क्वेश्चन, उड़ाते चलना है मेरे चीते चीतियों, अब जाग जाओ, अब समय आ चुका है, प्रश्न को खाने का समय आ चुका है। -1 किया 2012, 2000 अलग, 12 अलग, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल तक जाना है, अप्रैल के कितने 24, मार्च के कितने 31, फरवरी के कितने 2013 की है तो 28, जनवरी के कितने 31, 2000 साल में 0 और 12 में कितने होते हैं, 4 से काटोगे 3 पे कटेगा 15, तो 0 इसका और 15 का बन गया कितना 3, 15 का सॉरी बन गया 1, 7 से भाग देखे रिमाइंडर 3, 0 3 और 24 से बनेगा 3, तो जोड़ के देखो मेरे दोस्तों, 3 3 6 और 1 7 तो कट गया, रिमाइंडर 3 बचा, मंडे 1 ट्यूजडे 2 और 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेनेसडे को रिप्रेजेंट करेगा, प्रश्न का आंसर वेनेसडे आया। बोलो बुधवार आया, अभी भी ट्यूजडे फ्राइडे निकाल रहे हो, बुधवार आया या नहीं आया समझ लो ध्यान से। पहले आपको पहला स्टेप बताया कि ईयर से माइनस वन करना है, जो कि करने पर 2012 जिसमें 2000 अलग 12 अलग, 2000 अलग 12 अलग, उसके बाद 2013 साल की मुझे 24 अप्रैल तक जाना है जिसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है ना। तो 2000 के ओड डेज 0, 12 के ओड डेज निकालने के लिए 12 को 4 से काटा 3 पे कटेगा, 12 3 15, 15 ने लिख के 1 लिखा करो सीधा, जनवरी के 31 दिन 31 ना लिख के 3 लिखा करो सीधा, फरवरी के 28 दिन 2013 की है नॉर्मल ईयर की है तो 28 ना लिख के 0, मार्च के 31 3, अप्रैल में मुझे 24 तक जाना है 24 ना लिख के 7 से भाग करके रिमाइंडर लिखा करो। आपको ये काम करने में हार्डली 10 to 15 सेकंड लगेंगे, बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जोड़ने की बजाय 3 3 6 अगर 1 7 दिख रहा है तो काट दो, 3 बचा, मंडे 1 याद रखना, ट्यूजडे 2 और वेनेसडे 3 हो जाएगा, प्रश्न का आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी बताओ, 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, मोबाइल खोल के नहीं बताना बेटा, मोबाइल खोल के नहीं बताना, जल्दी से बताओ प्रश्न का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, डू इट फास्ट, उड़ा दो इस क्वेश्चन को, खा जाओ इस क्वेश्चन को। 2021 से माइनस 1 किया 2020 आया, 2000 अलग और 20 अलग, पहले माइनस 1 क्यों कर रहे हैं, सारी बातें बता दी गई है, 2021 का जनवरी तक ही जाना है, तो 2000 के 0, 20 के कितने, 20 के 20/4 5 में कटेगा 25, 25 मतलब आपको क्या लिखना है 4 लिखना है, जनवरी के कितने 26, 26 मतलब 5 लिखना है, 5 और 4 9, 9 को डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर आया कितना 2, मंडे 1 ट्यूजडे 2, क्वेश्चन का आंसर ट्यूजडे। मुश्किल नहीं है, आप लोगों को टाइम लग रहा है क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है, दिमाग में कैलकुलेशन चलेगी, टाइम नोट कर लेना, 15 सेकंड से एक्स्ट्रा नहीं लूंगा, 16वां सेकंड ले लूंगा और प्रश्न का आंसर दे दूंगा। ये मुद्दा नहीं है कि आप ट्रिक से कर रहे हैं या आप थ्योरी से कर रहे हैं, मुद्दा यह है कि आपने उसे प्रैक्टिस कितना किया। और अगर आप लोगों को यह मेथड क्लियर हो गया है, अभी लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, बस उसको आप लोग बिना कहे कर दीजिए कीजिए। तो 2021 से माइनस 1 किया, आपके टोटल ईयर निकालने के लिए जो कंप्लीट हो चुके हैं, जो 2020 जिसे लिखा जा सकता है 2000 अलग और 20 अलग, उसके बाद सन 2021वां साल चल जाएगा जिसमें आपको जनवरी कहां तक जाना है 26 जनवरी तक जाना है, 2000 के ओड डेज 0, 20 साल के ओड डेज निकालने के लिए 4 से भाग करते हैं, 5 पे कटता है तो इस 5 को इसी 20 में जोड़ के लिख देते हैं,
तो 25, जनवरी में मुझे 26 तक जाना है तो 26, या तो मैं इनको जोड़ लूं 0 25 26 51 होता है, या फिर मैं इनके ओड डेज निकाल लूं 25 का 4 और 26 का 5, ठीक है ना, 7 से भाग करके। तो जोड़ने पर 9 आया या जोड़ने पर 51 आया, 7 से भाग करके रिमाइंडर 2 आया। 2 किसे रिप्रेजेंट करता है, डे कोड ये है आपके, डे कोड ये है आपके, तो किसे रिप्रेजेंट करता है आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, अगर आप लोगों को कैलेंडर की थ्योरी आती है तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सेशन को शेयर करो पहले और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर कैलेंडर की थ्योरी आती है वही बच्चा जान पाएगा। अगर आपको मेरी थ्योरी मैंने जो पढ़ाई समझ में आ गई आज की क्लास में तो आप जान जाएंगे इस प्रश्न का आंसर ऐसे, वरना आपको रटना पड़ेगा, आप सबको रटना पड़ेगा अगर आपको थ्योरी नहीं आती। तो यह आप पे डिपेंड करता है कि थ्योरी समझनी है या रटना है, और थ्योरी नहीं समझ में आई तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इससे आराम से नहीं पढ़ाता मैं, आप लोगों के लिए बड़े आराम से थ्योरी क्लियर किए ताकि एक एक बात आप लोगों को अच्छे से चमक जाए। तो दोस्तों जल्दी से मेरे चीते शेर बन जाने चाहिए अब तो, इतना कैलेंडर बताओ किसने पढ़ाया है, इतना कैलेंडर किसने पढ़ाया है, मेरे चीते और मेरी चीतियां शेर शेरनियां बन चुकी होंगी, अब तो वो खाएंगी। जल्दी से बताओ विच डे ऑफ द वीक विल नोट द फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। आप लोगों को अब समझना होगा इस प्रश्न को, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। इसके लिए आपको सेंचुरी के बारे में जो मैंने बताया वो पता होना चाहिए, इसके लिए सेंचुरी के बारे में जो मैंने उसके ओड डेज बताए वो पता होने चाहिए, इसके लिए आपको हर सेंचुरी के ओड डेज पता होने चाहिए, आपको इसके लिए जो डे कोड बताए वो पता होने चाहिए। तो जीरो किसे रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे सर संडे को रिप्रेजेंट करता है। वन किसे रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे मंडे को रिप्रेजेंट करता है। तीन किसे रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे वेनेसडे को रिप्रेजेंट करता है। और पांच किसे रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे फ्राइडे को रिप्रेजेंट करता है। देख लो जरा देख लीजिए, गौर फरमाइए जरा, जीरो संडे, वन मंडे, थ्री वेनेसडे और पांच फ्राइडे। बात क्लियर है, बात क्लियर है। ये क्या है, ये क्या है, आपको अभी तो बताया ये हर सेंचुरी के ओड डेज हैं, ये हर सेंचुरी के ओड डेज हैं, ये हर सेंचुरी के ओड डेज हैं, ठीक है। यहां सेंचुरी कंप्लीट हुई थी, पांच ओड डेज बचे, सेंचुरी कंप्लीट हुई, पांच ओड डेज बचे, मतलब पांच रिप्रेजेंट किसको करता है, फ्राइडे को, मतलब ये वाली पहली सेंचुरी जब कंप्लीट हुई तब फ्राइडे था, दूसरी सेंचुरी कंप्लीट हुई तब वेनेसडे था, तीसरी सेंचुरी कंप्लीट होने पर मंडे था, और चौथी सेंचुरी कंप्लीट होने पर संडे था। और फिर आप क्या कहेंगे, फिर अगली पांचवी सेंचुरी कंप्लीट हो गए फ्राइडे, फिर छठी सेंचुरी कंप्लीट होकर के वेनेसडे, सातवीं सेंचुरी कंप्लीट होकर के मंडे, और आठवीं सेंचुरी कंप्लीट होकर के संडे। तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे लास्ट डे ऑफ सेंचुरी है, ये हमारे दोस्तों क्या है, ये हमारे लास्ट डे ऑफ सेंचुरी है, ऑफ सेंचुरी है, शताब्दी के अंतिम दिन है। क्या है, शताब्दी के अंतिम दिन है, के अंतिम दिन है, शताब्दी के अंतिम दिन है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन होता है या कौन सा नहीं होता है, तो कौन कौन सा होता है, शुक्रवार होता है, ठीक है ना, शुक्रवार होता है, शुक्रवार होता है, या फिर बुधवार होता है, बुधवार होता है, या सोमवार होता है, या इतवार होता है, रविवार होता है। बोलो बात क्लियर, शताब्दी के अंतिम दिन कौन से होते हैं, और अगर ये अंतिम है, ये अंतिम है मतलब यहां शताब्दी खत्म हुई थी, जब पहली शताब्दी खत्म हुई थी, पहली सेंचुरी कंप्लीट हुई थी तो फ्राइडे था, तो अगली शताब्दी जब चली होगी तो अगले दिन से, यानी सैटरडे से ही चली होगी। यहां पे जब शताब्दी कंप्लीट हुई वेनेसडे था, तो अगली जब चली होगी तो किससे चली होगी, थर्सडे से चली होगी। अगर मैं कहूं ये शताब्दी खत्म हुई तो मंडे था, अगली जो चली होगी वो ट्यूसडे से चली होगी, ये शताब्दी जब खत्म हुई संडे था तो अगली जो चली होगी मंडे से चली होगी। और मैं आप लोगों को एक बात बता चुका हूं, शताब्दी का प्रथम दिन, जो कैलेंडर का प्रथम दिन था वो कौन सा था, मंडे था। अब देखो मंडे सैटरडे थर्सडे ट्यूसडे, मंडे सैटरडे थर्सडे ट्यूसडे, तो मैं आपको एक और बात पहले ही क्लियर कर चुका हूं, ये 400 साल रिपीटेड मैनर में है, ये 400 साल रिपीट होते हैं। तो शताब्दी जो शुरू होती है वो मंडे से, फिर सैटरडे से, और फिर थर्सडे से, और फिर ट्यूसडे से। बात क्लियर है दोस्तों, बात क्लियर होनी चाहिए मेरे दोस्तों। ये क्या हुए, शताब्दी के प्रथम दिन, ये क्या हुए,
किसी भी शताब्दी के जो प्रथम दिन होते हैं, किसी भी शताब्दी के जो प्रथम दिन होते हैं। तो देखिए ये थ्योरी से ही निकले हैं, थ्योरी से ही निकलेंगे। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा, प्रश्न में आपसे पूछा सप्ताह का कौन सा दिन एक शताब्दी का पहला दिन नहीं होगा, कौन सा शताब्दी का पहला दिन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको शायद यह पता होना चाहिए कि कौन सा होगा। अभी जो मैंने आपको समझाया ना, इससे चार क्वेश्चन तैयार हुए, अभी के अभी चार क्वेश्चन तैयार हुए। ये कि शताब्दी का कौन सा दिन अंतिम दिन होता है, ये कौन सा दिन प्रथम दिन होता है, फिर ये कि कौन सा दिन प्रथम दिन नहीं होता है और कौन सा दिन प्रथम दिन होता है। तो यहां पे मंडे, सैटरडे, ट्यूजडे और थर्सडे प्रथम दिन होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखो आपका कौन सा नहीं होता, आपको पता है ट्यूजडे भी होता है, आपको पता थर्सडे भी होता है, सैटरडे भी होता है, वेनसडे नहीं होता। आप एक चीज याद रख लो, अब बात करता हूं रट्टे की, एक चीज याद रख लो बेटा, आपका संडे, आपका संडे, आपका मंडे, आपका वेनसडे, संडे, मंडे, वेनसडे और फ्राइडे, ये याद रख लो आपके। ये क्या होते हैं, शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। क्या होते हैं, शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। नोट्स बना लेना अच्छे से, ये शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। अगर मैं कहूं ये शताब्दी के अंतिम दिन है, तो इनके नेक्स्ट 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 वाले क्या है, प्रथम दिन है। ये अंतिम दिन है, बस ये याद रख लो, इनके नेक्स्ट 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 वाले क्या है, प्रथम दिन है। मतलब संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूजडे आता है, वेनसडे के बाद थर्सडे आता है और फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है। तो ये क्या हो जाएंगे, शताब्दी के प्रथम दिन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रथम दिन हो जाएंगे। बोलो अगला प्रश्न अगर मैं दूंगा ऐसे इसी से रिलेटेड संबंधित, तो क्या आप कर पाएंगे, क्या अब आपको कोई दिक्कत है, होनी तो नहीं चाहिए। बताओ अगले प्रश्न का आंसर क्या है, बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है। प्रश्न में पूछा है सप्ताह का कौन सा दिन एक शताब्दी का पहला दिन होगा, अब पूछ रहा है कौन सा पहला होगा, ये पूछ रहा है कौन सा पहला होगा। लगाओ मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से ताबड़तोड़ आंसर, और सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर करके। फ्राइडे, फ्राइडे आपका बताया, वेनसडे आपका बताया, मंडे आपके क्या होते हैं, प्रथम दिन नहीं होते हैं। लेकिन मंडे नहीं देना चाहिए, मंडे नहीं देना चाहिए, मंडे नहीं देना चाहिए, आपका आंसर तो ट्यूजडे है, ऑप्शन में मंडे नहीं देना चाहिए। मंडे क्यों नहीं देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सोमवार एक ऐसा दिन होता है, सोमवार एक ऐसा दिन होता है जो प्रथम दिन भी बनता है, अंतिम दिन भी बनता है। यही एकमात्र आपका दिन है, यही एकमात्र दिन आपका ऐसा है जो प्रथम दिन भी बनता है और अंतिम दिन भी बनता है। तो मंडे नहीं देना चाहिए ऑप्शन में, यहां ऑप्शन में मंडे ना दे करके मान लो आपको ऑप्शन में दे देता संडे, दे देता संडे यानी रविवार दे देता, तब आपके प्रश्न का आंसर क्या होता, ट्यूजडे होता। बोलो बात क्लियर है, आपको पता है ना अंतिम दिन कौन से होते हैं, वेनसडे, संडे और फ्राइडे अंतिम होते हैं, तो बचा हुआ क्या होगा, प्रथम होगा। क्लियर ना, अब तो क्लियर होना चाहिए। और बनते हैं ये सारे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन लगाओ, उड़ाओ जरा इस क्वेश्चन को मेरे चीतों, उड़ते हुए जाओ इस क्वेश्चन को उड़ा दो, उड़ते हुए जाइए इस प्रश्न का आंसर बताइए। पूछता है सप्ताह का कौन सा दिन एक शताब्दी का आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन बताना है, लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी बताना है। तो आप जानते हैं संडे, मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, आपको ये मैंने बता दिया है, आपने रट्टा मार लिया है, तो इनमें से कौन सा दे रखा है, फ्राइडे दे रखा है। बोलो क्लियर हुआ, अगला प्रश्न बताओ मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न मेरे को बताओ अभी मेरे को, आपके सारे आंसर सही होने चाहिए। अगला प्रश्न जल्दी से मेरे चीतो, जल्दी से सेशन को शेयर करो, आज आपकी संख्या बहुत कम है, अभी दुगनी कीजिए, एक एक व्यक्ति को भी शेयर कर देंगे तो भी दुगनी हो जाएगी, आप 10 के बराबर हैं, एक एक को शेयर कर दीजिए। कहता है सप्ताह का कौन सा दिन एक शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, कौन सा दिन अंतिम दिन नहीं होगा, आप जानते हैं कौन सा होता है, होता कौन सा है ये जानते हैं, संडे, मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, कौन सा होता है आप जानते हैं, संडे, मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, तो यहां फ्राइडे दे रखा, ये भी होता है, मंडे भी होता है, संडे भी होता है, आप जानते हैं कौन सा नहीं होगा, थर्सडे नहीं होगा, आप जानते हैं कौन सा नहीं होगा, थर्सडे नहीं होगा, आप जानते हैं ना थर्सडे नहीं होगा। तो आगे क्या कहता है, अगला प्रश्न देखो जरा, बताओ जरा मेरे चीतो, शिकार करो इस क्वेश्चन का, शिकार कर दो इस क्वेश्चन का, उड़ा दो इस क्वेश्चन को, आग लगा दो जल्दी से यहां पे सेशन में, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। कहता है कि सप्ताह का कौन सा दिन शताब्दी का पहला और आखिरी दिन दोनों होता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मंडे एक ऐसा डे होता है जो प्रथम दिन भी बनता है और अंतिम दिन भी बनता है, तो प्रश्न का आंसर मंडे हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। तो आज की थ्योरी से ये पांच अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए, क्या ये बिना थ्योरी के बता दो, क्या बिना थ्योरी के ये पॉसिबल था? अगर था तो वो रट्टा था, लेकिन अब आपने समझा तो सेशन ठोक के लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जल्दी से ताबड़तोड़ संख्या डबल कर दीजिए। अगला प्रश्न आया है ईयर रिपीटिशन से, ईयर रिपीटिशन से ट्रिक प्लस थ्योरी, क्या जानना चाहोगे जल्दी से बताओ, ट्रिक जानना चाहोगे या थ्योरी जानना चाहोगे, ट्रिक जानना चाहोगे या थ्योरी जानना चाहोगे, लगा दो आग इस सेशन के अंदर, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से बताइए आज की थ्योरी, आज की थ्योरी। सारे स्क्रीनशॉट लेने हैं तो देख लो बेटा, ये पहला आपका जो आपको बताया, दूसरा जो आपको बताया स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके, तीसरा जो आपको बताया, चौथा जो आपको समझाया, हर बात को क्लियर कर लेना, कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, समझे के नहीं समझे, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अगला आपको कंसेप्ट दे रहा हूं ईयर रिपीटिशन का, किसका, ईयर रिपीटिशन का, ईयर रिपीटिशन का। ईयर रिपीटिशन क्या होता है, जो हमारा ईयर रिपीट होता है, ईयर रिपीटिशन क्या होता है, जो हमारा वर्ष दोहराया जाता है, क्या होता है, वर्ष दोहराया जाता है, वर्ष दोहराया जाता है। ध्यान से सुनना बेटा, ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने कभी ऐसा नोटिस किया, जरा मुझे यह बताओ, जरा कभी ऐसा नोटिस किया, जैसे इस साल मान लो आपने अपना जन्मदिन बुधवार को मनाया, पहले भी कभी मना रखा होगा बुधवार को, या फिर इस साल आपने मान लो अपना जन्मदिन शनिवार को मनाया तो पहले भी कभी मना रखा होगा, या आने वाले कुछ साल बाद अपना फिर आप जो है शनिचर हो जाओगे, आप शनिवार को अपना जन्मदिन मना रहे होंगे, बोलो ऐसा कभी नोटिस किया? ऐसा ऐसे होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक साल का कैलेंडर होता है ना, जो एक साल का कैलेंडर होता है वो कुछ साल के बाद दोबारा रिपीट हो जाता है। क्या आपको पता है इस बारे में कि कितने साल के बाद रिपीट होता है, कौन सा कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होता है? तो उसकी ट्रिक दोस्तों ये है, उसकी ट्रिक लिख लीजिएगा, अगर यदि इफ, यदि इफ कोई ईयर है या कोई भी वर्ष आपको दिया है, चाहे नॉर्मल ईयर है चाहे लीप ईयर है, उसको चार से भाग करेंगे, उसको चार से भाग करेंगे और उसका जो रिमाइंडर आएगा, उसका जो रिमाइंडर आएगा यानी शेषफल आएगा, अगर उसका शेषफल आएगा और वो जीरो आ जाएगा, और वो जीरो आ जाएगा। देखो किसी भी संख्या को अगर मैं चार से भाग करूंगा, कोई भी संख्या ले लो, उसको अगर मैं चार से भाग करूंगा, या तो रिमाइंडर जीरो आएगा, या रिमाइंडर वन आएगा, या दो आएगा, या तीन आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा? रिमाइंडर जीरो वन टू थ्री आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। किसी भी संख्या को अगर मैं चार से भाग देता हूं तो शेष फल जो बचता है, जैसे मान लो 2005, अगर मैंने इसको चार से भाग दिया, पहली बात तो पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, लास्ट दो डिजिट को ही चार से भाग करके देख लो आप, जो भी है वही रिमाइंडर है, वही आपका रिमाइंडर है। तो चार से भाग करना वर्बली हो जाएगा, तो किसी भी संख्या को चार से भाग करने पर रिमाइंडर जीरो वन टू या थ्री होता है। और दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, मेरे चीतों और मेरी चीतियों, जल्दी से समझो, यहां पे अगर आपका शेषफल जीरो बच जाए, किसी भी ईयर को, वर्ष को चार से भाग करने पर रिमाइंडर जीरो आता है, तो वो कैलेंडर, वो कैलेंडर 28 साल के बाद, 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है। कितने वर्ष के बाद रिपीट होता है? 28 साल के बाद रिपीट होता है, वो कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होता है। अगर रिमाइंडर एक बच जाता है तो वो कैलेंडर 6 वर्ष के बाद रिपीट होता है। कितने साल के बाद? 6 वर्ष के बाद ही दोहराया जाता है, रिपीट हो जाता है। अगर कोई कैलेंडर जिसका रिमाइंडर चार से भाग करने पर दो या तीन आता है, वो दोनों ही 11 वर्ष के बाद रिपीट हो जाते हैं, वो दोनों 11 वर्ष के बाद ही रिपीट हो जाते हैं। नहीं समझे, ध्यान से सुनना जरा। अगर मैंने कहा वर्ष 2005 का कैलेंडर दोबारा कैसा, मतलब जैसा पूरा का पूरा, मान लो 2005 को आपका जनवरी, 1 जनवरी को मंडे, 31 दिसंबर को मान लो आपका ट्यूजडे, समझिएगा मेरी बात को जरा ध्यान से, 2005 का जो पूरा कैलेंडर है, जिस तारीख को जो डे बनता है, अगर वो पूछे 2005 जैसा कैलेंडर दोबारा कब मिलेगा हमें, तो इसे 7 से भाग करना है, इसे 7 से नहीं, सॉरी 4 से भाग करना है। हाँ भाई, ये भाई बड़ी कंफ्यूजन रहती है, ध्यान रखिएगा कि कब 7 से कब 4 से भाग करना है। तो 4 से जब भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना, 1। जब अपने पास रिमाइंडर एक आए, तो वो वाला जो कैलेंडर होता है, यानी 2005 का कैलेंडर जो होता है, वो 6 साल के बाद रिपीट होगा, तो मतलब मैं इसमें 6 जोड़ दूंगा, तो वो 2011 में रिपीट होगा।
कब होगा? 2011 में रिपीट होगा। बोलो दोस्तों, बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? और अगर समझ में आ गई तो जरा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वर्ष 1976 का कैलेंडर, वर्ष 1976 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, किस वर्ष के तरह होगा, किस वर्ष के समान होगा? 1976, 1976 को चार से भाग देके देखो जरा, चार से भाग दीजिए, आपका 24 चौक 76, रिमाइंडर जीरो। कितना आएगा? रिमाइंडर जीरो आएगा। जब रिमाइंडर जीरो आता है तो वो कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होता है। जमा कितना कर दीजिए? 28 रिपीट कर दी, जमा कर दीजिए। 28 जमा करते ही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 2004। बोलो बात समझ में आई? आज आपके घर पे जो कैलेंडर लगा है 2020 का, जो 31 दिसंबर को आपको बेकार लगने लगता है, क्या लगने लगता है? बेकार लगने लगता है। अगर मैं पूछूं 2020 का कैलेंडर, बिल्कुल 2020 वाला जो कैलेंडर, जिस डेट को जो डे था बिल्कुल वही डिट्टो, दोबारा वैसा वैसा कैलेंडर कितने साल बाद मिलेगा? तो आप इसको चार से भाग कर दे, चार से भाग करते हो, रिमाइंडर कितना? जीरो आता है। तो यानी ये 2020 का कैलेंडर 28 साल के बाद आपका रिपीट होगा, तो आपने 28 जोड़ दिया, 2048 में रिपीट होगा। तो 2020 का कैलेंडर दोबारा आपको 2048 में मिलने वाला है, सेम टू सेम। तो घर पे जो कैलेंडर है उसे फेंकिएगा मत, उसे संभाल के रख लीजिएगा, और लड़कियां दहेज में ले जाइएगा, काम आ जाएगा आप लोगों के। कह देना हमारा पुश्तैनी कैलेंडर है, आपको 2048 में कैलेंडर खरीदना ही नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप लोगों को वही कैलेंडर, सिर्फ उसके ऊपर, कैलेंडर के ऊपर जहां ईयर 2020 लिखा है उसको काट के 48 कर लेना है, कुछ भी फर्क नहीं आता है। बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? बोलो बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है? अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। बोलो क्लियर हो गई ना, समझ में आ गया कब 6 जोड़ना है, कब 11 जोड़ना है? मान लो मैंने पूछा 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, मान लो मैंने पूछा 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप लोगों को चार से भाग जब आपने किया, रिमाइंडर 3 प्राप्त हुआ। तो 2019 में क्या जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे? 28 जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे या 11 जोड़ोगे? अगर ट्रिक नोट नहीं की थी तो दोस्तों ट्रिक नोट कर लीजिएगा, कब क्या जोड़ना है। रिमाइंडर 0 बचने पर 28, 1 बचने पर 6, 2 बचने पर 11 जोड़ना है। तो यहां पे अगर मैं कह रहा था 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो आपको क्या जोड़ना है, 11 जोड़ना है। मतलब 2019 का कैलेंडर 2030 के समान होगा। बोलो 2030 का कैलेंडर किसके समान होगा? 2030 का कैलेंडर जानना है किसके समान होगा, तो रिमाइंडर 2 आया, रिमाइंडर 2 आए या रिमाइंडर 3 आए, 11 जुड़ेगा। 2030 का कैलेंडर 2041 के समान होगा। इस प्रश्न का आंसर आप ऐसे उड़ा दोगे, ठीक है ना, बेसिक से किसी और दिन बता दूंगा, आज थ्योरी से बता दिया, नहीं ट्रिक से बता दिया, थ्योरी से किसी और दिन बता दूंगा, ठीक है। तो आज आपका लास्ट प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, जहां मैं आपको कहूंगा हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, हर एक आपकी बताई गई बात आप लोगों के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूछूं, अगर मैं पूछूं दोस्तों 2017 में विच ऑफ द फॉलोइंग टू मंथ्स हैव द सेम डेज, जो आपके निम्न में से 2 महीने दिए गए हैं, ऑप्शन में 2-2 महीने दिए गए हैं ना, कौन से 2 महीने ऐसे थे जिनके डेज बिल्कुल मैच करते थे, तो आप लोगों को कैसे करना है इस प्रश्न का आंसर, क्या आप जानते हैं? देखो आप जरा ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना जरा इस बात को, ध्यान से सुनना जरा इस बात को, आज का लास्ट प्रश्न ध्यान से सुनना। आप लोगों को मंथ कोड याद होंगे, आप लोगों को नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के मंथ कोड याद होंगे, 144 0 25 0 36 146 और यहीं से लीप ईयर के मंथ कोड आपके जो बनते हैं 0 और 3, बाकी सब सेम, 0 और 3, बाकी सब सेम, ये आपके मंथ कोड हैं। क्या आप ये जानते हैं, चाहे नॉर्मल ईयर के चाहे लीप ईयर के? आप लोगों को पता होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, किस मंथ के क्या कोड हैं, क्या आपको ये पता है? किस मंथ के क्या कोड हैं, क्या आपको पता है? तो डेफिनेटली आपको पता होंगे किस मंथ के क्या कोड हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जिन मंथ के, जिन महीनों के मंथ कोड सेम होते हैं, जिन महीनों के मंथ कोड सेम होते हैं उनके दिन भी सेम होते हैं, उनके दिन भी सेम होते हैं। जिन महीनों के मंथ कोड सेम होते हैं उनके दिन भी सेम होते हैं,
उनके दिन भी सेम होते हैं, जो हमारे इस प्रश्न के अंदर ये वाली चीज हमें हेल्प करेगी, ये वाली चीज हमें इस प्रश्न में हेल्प करेगी। उसने पूछा 2017, पहली बात तो 2017 क्या है, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर के मंथ कोड में आपको पता है कौन कौन से मंथ कोड सेम होते हैं, अप्रैल और जुलाई 00, जनवरी अक्टूबर 11, मई का 2, अगस्त का 3, उसके बाद आपका जो 3 के बाद 4, फरवरी मार्च और नवंबर 4, और जून 5 और सितंबर दिसंबर 6। तो जिनके मंथ कोड सेम होते हैं उनके डेज भी सेम होते हैं। अगर मैंने कहा जनवरी अक्टूबर सेम, जनवरी अक्टूबर अगर सेम है तो जनवरी और अक्टूबर के दिन भी क्या होंगे, सेम। यानी 1 जनवरी, 2 जनवरी, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, सेम डे। 1 जनवरी को जो, वही अक्टूबर को वो, 2 जनवरी को जो, वही 2 अक्टूबर को, 3 जनवरी को जो, वही 3 अक्टूबर को। बोलो बात समझ में आ रही है? आपको क्वेश्चन में पूछा तो आप लोगों ने मंथ कोड लिख लिए। फरवरी का कोड क्या होगा दोस्तों? फरवरी का कोड क्या होगा? 2017 है, 4 होगा, अप्रैल का 0। क्या मंथ कोड मैच हुए? नहीं। मई का कोड क्या होता है दोस्तों? 2। क्या जुलाई के कोड के साथ मैच होगा? नहीं। जनवरी का 1, अक्टूबर का 1, बिल्कुल यहां पे ये आपका प्रश्न का आंसर। जून का 5, सितंबर का 6, ये नहीं होता। ऑप्शन में सितंबर दिसंबर भी दे सकता है क्योंकि इनके मैच होते हैं, और देख लो किस किस के अप्रैल और जुलाई मैच होते हैं, फरवरी और मार्च, या मार्च और नवंबर, ये भी ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको याद रहेगा कि जिनके मंथ कोड सेम होते हैं उनके डेज भी सेम होते हैं। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? क्या आपने आज के सेशन से मुझसे कुछ सीखा? और दोस्तों अगर सीखा तो अभी के अभी लाइक और शेयर जरूर करना। मैं चाहता हूं यह अब आज ये बातें जन जन तक आप लोग पहुंचाए। एग्जामपुर परिवार जो पूरी दुनिया के लिए कर रहा है वो कोई नहीं कर रहा है, कोई कर भी नहीं पाएगा दोस्तों। आप लोगों को इतना कैलेंडर कोई अगर पेड़ में भी पढ़ा दे, हम पढ़ाना ही बंद कर देंगे दोस्तों, और भी पढ़ा देता, लेकिन आप जानते हैं आपका जो एग्जाम है वो नजदीक है, ठीक है ना। मैं कैलेंडर 1 हफ्ता पढ़ा सकता हूं लगातार 4-4 घंटे, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, आपको इस क्वेश्चन नंबर 21 से लगभग 24-25 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। इनसे बाहर कभी पेपर में क्वेश्चन नहीं आता। तो जुड़े रहिए आपके परिवार एग्जामपुर से, हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।